हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कक्षा तीसरी का हिंदी पाठमाला का पहला पाठ जो कि एक कविता है उठो लाल, वो मैं पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले के अध्याय में या इससे पहले के लेसन में ये कविता मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें उस कविता का पाठ, उसके शब्द अर्थ और उसके बारे में सभी कुछ बताया जा चुका है। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज जो कि है अभ्यास, और ये है अभ्यास जो तो दो भागों में है। आज इसका भाग एक है, तो शुरू करते हैं अभ्यास एक। ये हिंदी कविता उठो लाल जो पाठ है, जो कविता है, उसका ये रिकैप वन है, उसका ये रिवाइज पार्ट है। इसके आगे इसकी एक्सरसाइज होगी। हम इस कविता को एक बार पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद इस कविता से रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले एक रिकैप इस पूरी कविता का। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धोलो। इसमें माँ अपने बच्चे को उठाते हुए बोल रही है कि मेरे बेटे उठ जाओ, सुबह हो गई है, आंखें खोलो, मैं पानी लाई हूँ, आप अपना मुंह धोलो ताकि आपकी आंखें खुल जाएं। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। पूरी रात बीत गई है, सुबह पूरे कमल के ग्रुप, लोटस का पूरा ग्रुप है वो खिल गया है, और उसके ऊपर जो ब्लैक बीज हैं, भौरे हैं, वो झूल रहे हैं, जो इंसेक्ट्स फूलों पर आते हैं। इसके आगे कविता का दूसरा भाग है। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। जैसे ये चिड़िया यहाँ पेड़ों पर चहक रही है, मॉर्निंग में बर्ड्स जल्दी उठ जाते हैं। नभ में प्यारी लाली छाई, नभ मतलब आसमान में जब सन निकलता है तो पूरा रेड हो जाता है, उसकी प्यारी लाली छाई है। धरती ने प्यारी छवि पाई, और ये धरती जब सुबह की रोशनी होती है, हर चीज चमक जाती है, तो इसकी भी शक्ल, इसकी भी छवि बहुत सुंदर दिखती है। इसका तीसरा भाग है। भोर हुआ सूरज उगाया, भोर मतलब सुबह, सुबह हो गई है, सूरज उग आया है, जल में पड़ी सुनहरी छाया। सूरज की जो छाया है, उसके किरणों की जो शेड है, वो इस जल में पड़ रही है, पानी में पड़ रही है। ऐसा सुंदर समय न खो मेरे प्यारे, अब मत सो। ये सुबह का समय है, वो काम करने के लिए, पढ़ने के लिए होता है, सब कुछ है, इतना सुंदर समय आपको सोकर नहीं खोना है। मेरे प्यारे बेटे, अब आप मत सो, आप उठ जाओ। ये था आपकी कविता का पूरा एक रीकैप, और इससे हमें संदेश मिलती है, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। पूरी कविता एक बार फिर से हमने रिवाइज की है, अब उससे रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन आंसर हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखो। पहला प्रश्न, कविता में कौन किसे उठा रहा है। हमारी कविता की लाइन है, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धोलो। यानी इस कविता में कौन किसे उठा रहा है, इस कविता में माँ अपने बेटे को उठा रही है। इसका दूसरा प्रश्न है, कमल दल पर कौन झूले, यानी लोटस वाले जो ग्रुप है फ्लावर्स का, उसके ऊपर कौन झूले की तरह झूल रहा है। इसमें कविता में लाइनें हैं, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। ये वाले भवरे जो हैं वो कमल के ग्रुप के ऊपर झूले की तरह झूल रहे हैं। लाली किसने छाई है, ये तीसरा प्रश्न है, और इसमें इसकी कविता की लाइनें हैं, नभ में न्यारी लाली छाई, यानी आसमान में जब सूरज निकलता है, उसकी जो रेडिश है, जो लाल है, वो छा जाता है, तो लाली किसमें छाई है, आसमान में, यानी नभ में। इसका फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, धरती ने कैसी छवि पाई है। इसमें इसकी कविता की लाइन है, धरती ने प्यारी छवि पाई, यानी धरती ने प्यारी छवि पाई है, जब सूरज निकलता है, सब चीजें हमको दिखनी शुरू हो जाती हैं, रात के अंधकार के बाद फूल खिलने शुरू हो जाते हैं, तो धरती की छवि बहुत सुंदर हो जाती है, बहुत प्यारी हो जाती है, तो धरती ने सूरज निकलने के बाद, सुबह होने के बाद अपनी प्यारी छवि पाई, यानी
दिए गए प्रश्नों के उत्तर ये लॉन्ग आंसर्स हैं। पहला क्वेश्चन है, सुबह होने पर चिड़िया और हवा क्या कर रही है? इसमें कविता की लाइनें हैं, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। यानी सुबह होने पर चिड़िया पेड़ों पर चहक उठी है और सुंदर हवा बहने लगी है जिसमें ये पेड़ झूम रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, सूरज कब उगा और उसकी सुनहरी छाया किसमें पड़ी? इसमें कविता में लाइनें हैं, भोर हुआ सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। भोर मतलब सुबह, सुबह होने पर जब सूरज निकलता है तो उसकी जो गोल्डन रेज हैं, जो चमकदार उसकी किरणें हैं, वो छाया में पड़ी। तो प्रश्न है, सुबह होने पर चिड़िया और हवा क्या कर रही है? सुबह होने पर चिड़िया पेड़ों पर चहक उठी है और सुंदर हवा बहने लगी है। सूरज कब उगा, सूरज भोर होने पर उगा और उसकी सुनहरी छाया किस में पड़ी? सूरज की सुनहरी छाया जल में पड़ी। ये दोनों हैं लॉन्ग आंसर्स। इसका तीसरा लॉन्ग आंसर है, कविता में सुबह के समय को कैसा बताया गया है और क्यों? कविता में सुबह के समय को सुंदर कहा गया है क्योंकि सुबह प्रकृति की हर चीज खिल जाती है। कैसे? जैसे कमल के दल फूल गए हैं, उनके ऊपर भंवरे झूलने लगे हैं, पेड़ों पर चिड़िया चहक रही है, जो सूरज की रोशनी पानी में पड़ रही है और आसमान में सूरज निकलने की लाली छा गई है, धरती की पूरी शक्ल बहुत प्यारी हो गई है। ये सारी की सारी खूबसूरती जो नेचर की है, जो प्रकृति की है, वो सुबह ही होती है। इसलिए कविता में सुबह के समय को सुंदर कहा गया है क्योंकि सुबह के समय प्रकृति की हर चीज सूरज की रोशनी में खिल जाती है। इसका अगला है, अभी हमने किए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लघु प्रश्नोत्तर, और उसके बाद दूसरे वाले प्रश्नोत्तर जो थोड़े दिन से पड़े हैं। अब है ये कविता की पंक्तियां पूरी करो, जिसमें ये अंडरलाइन है, इन शब्दों को हमें खुद लिखना है। चिड़िया चहक, उसके बाद उठी पेड़ों पर, डैश हवा अति सुंदर, इसमें हम भरेंगे बहने लगी। नभ में न्यारी, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें आप लिखेंगे लाली छाई। फिर से फिल अप है ये, छवि पाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। इसको पूरा याद करके कैसे करेंगे? चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। ये कविता की लाइनें ऐसे फिलअप की फॉर्म में आएंगी जिसमें कुछ शब्द लिखे होंगे और कुछ फिलअप होंगे, और इन फिलअप को भर कर इन कविता की लाइनों को पूरा करना है। थैंक यू।